हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डरावनी हो गए वायरस की रफ्तार, कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 55,000 केस और 779 मौतें। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी रफ्तार और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। कोरोना वायरस ने गुरुवार को एक दिन के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक दिन में पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 55,000 पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,079 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 779 लोगों की मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस का एक दिन में ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,079 मामले आने से देश में कोरोना वायरस के कुल 16,38,871 मामले में पॉजिटिव केसों की संख्या 5,45,318 है। वहीं अब तक 35,747 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 10,57,806 पूरी तरह से कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना वायरस से मौत के मामले में दुनिया भर में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत से आगे अब बस 4 देश ही बचे हैं, जिनमें अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और मैक्सिको है। अमेरिका में कोरोना वायरस से जहां 1,55,067 मौतें हुई है, वहीं ब्रिटेन में 45,999, ब्राजील में 91,377 और मैक्सिको में 45,361 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों का अध्ययन से ये बात सामने निकल कर आई है कि सिर्फ जुलाई में 10 लाख से अधिक पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं। 30 जून तक यानी शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो देश में कोरोना के कुल 5.68 लाख केस थे, वहीं आज इसकी संख्या बढ़कर 16 लाख पार हो गई है। जागरूक टीवी की कोरोना पर खास अपडेट।